हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कामरान द एजुकेटर। इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स काफ़ी जने मुझे पूछ रहे थे, सर इंटरमीडिएट के इंग्लिश का भी 302 का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए, कैसा इसको लर्न करना है। आप लोग टेंथ क्लास के स्टूडेंट के लिए आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो आज के वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का जो 100 मार्क्स का पेपर है वो आपको बताऊंगा कैसा आपको करना है। देखिए, इंग्लिश में जो है मैक्सिमम 40-50% ग्रामर आपको कंप्लीट करना है। पूरा ग्रामर नहीं रहता, याद रख लीजिए इंग्लिश के सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको एनोटेशंस रहते हैं। एनोटेशंस जो है आपको जो इंग्लिश के जो चैप्टर्स है, द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल, ए टेल फ्रॉम द पंचतंत्र, फिर उसके बाद जो है सेकंड चैप्टर, सोनेट्स आर फुल ऑफ लव एंड दिस माय टोन, हाउ टू लिव बिफोर यू डाई, लर्निंग द गेम, टेलीविजन, ऑन फिल्म्स, कल्पना चावला, द गिफ्ट ऑफ इंडिया, रिफंड, डेफोडिल्स, रेस्पॉन्ड इंस्टीड ऑफ रिएक्टिंग, रॉबिन्सन क्रोस, ओज़िमेंडिस, द स्टोरी ऑफ टी एंड मेरिटिस। ये जो आपके इंग्लिश के 15th चैप्टर्स है इंटरमीडिएट 302 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के लिए, आप लोगों को जो है एवरी चैप्टर में से, एवरी लेसन में से आप लोगों को एक एनोटेशंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक एनोटेशंस और एक क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो बाकी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी एनोटेशंस आएंगे, आप वो एक आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए आपको कैसा करना है। अब फर्स्ट यूनिट है पेज नंबर 1 पे, द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल, ए टेल फ्रॉम द पंचतंत्र। यहाँ पे अबाउट द लेसन, अबाउट द ऑथर लिखे हुआ है, लेकिन जब आप पेज नंबर 4 पे आएंगे, इंग्लिश रीडर की बात कर रहा हूँ, इंग्लिश रीडर की पेज नंबर 4 पे जब आप आएंगे तो वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन बोल के लिखे हुआ है। देखिए कॉम्प्रिहेंशन बोल के लिखे हुआ है, कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट वन लिखे हुआ है, एनोटेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 100 वर्ड्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको, उसका आंसर आपको लिखना है आंसर बुकलेट में। कम बैक वेन एवर यू वॉन्ट मोर फ्रूट, सेट द मॉन्की वेन द क्रोकोडाइल हैज ईटन ऑल द वॉन्टेड, ऑल ही वॉन्टेड। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको एनोटेशन का, इसको आपको आंसर लिखना है। कैसा लिखेंगे आंसर, पहले इंट्रोडक्शन डालेंगे, इंट्रोडक्शन बोल के, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम वन ऑफ द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, टाइटल द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल। ये आपको इंट्रोडक्शन बोल के डालना है। फिर एक्सप्लेनेशन बोल के आपको कहां से स्टार्ट करना है, वंस दे लीव ए मॉन्की अ फ्रूट ट्री, यहां से एक्सप्लेनेशन डालना है। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, कॉन्क्लूजन बोल के डालना है। कॉन्क्लूजन बोल के कैसा डालेंगे, लास्ट में क्या बता रहा है, द क्रोकोडाइल स्टार्टेड टू स्पेंड मोर टाइम विद द मॉन्की हैज दे ग्रू फॉन्ड फॉर हैविंग इन डेप्थ डिस्कशंस। तो ये आपको लास्ट में कॉन्क्लूजन डालना है। कॉन्क्लूजन का मतलब क्या होता है कि एनोटेशन में क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, क्या एक्सप्लेनेशन हो रहा है, मॉरल क्या है, वो आपको लास्ट में अपने एनोटेशन में लिखना है। याद रख लीजिए कैसा लिखना है एनोटेशन, बता दिया हूं, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, दिस लाइन्स आर टेकन फ्रॉम बोल के, कहां से कौन से लेसन से दिया, प्रोज पोएट्री के, वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन डाल के एनोटेशन के क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन डालना बहुत जरूरी है। ये तीन डालिए, अच्छे मार्क्स मिलेंगे एनोटेशन के। अब नेक्स्ट जो है पेज नंबर 4 पे ही सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, आई एम डाइंग एंड ओनली अ स्वीट मॉन्की हर्ट कैन क्यूर मी। फिर उसके बाद पेज नंबर 5 पे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, डोंट वरी अबाउट दैट, सेट द क्रोकोडाइल, आई विल कैरी यू ऑन माई बैक। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए, आई थॉट यू वेर माई फ्रेंड, ही कॉल, डोंट यू नो दैट वी कैरी अवर हार्ट्स विद इन अस। तो ये फोर क्वेश्चन दिया गया है रीडर में इंग्लिश की 302 की। अगर आप एक एनोटेशन भी पढ़ लेंगे, एक आंसर भी पढ़ लेंगे पेज नंबर 4 का, फर्स्ट वाला, कम बैक वेन एवर यू वॉन्ट मोर फ्रूट का आंसर आप पढ़ लेंगे दिस लाइन इज टेकन से, तो आप जो भी चार क्वेश्चन आएंगे वो आप एक लिख देंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे एनोटेशन के, याद रख लीजिए। ठीक है, बहुत जनों को नहीं मालूम है ये बात, दूसरों तक भी वीडियो पहुंचाइए। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 5 पे सेकंड बिट जो है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड्स, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। यहां पे आपको चार क्वेश्चंस दिए गए, देखिए यहां पे भी, ये लेसन में भी चार क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल, उसका आंसर दिया गया है। ये आपको एवरी लेसन के आंसर लर्न करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक आंसर भी लर्न कर लेंगे तो आपको बाकी के जो 3 आंसर्स है उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा, वो आप लोग जो है लिख दे सकेंगे। अगर बाकी के तीन क्वेश्चन भी आएंगे तो आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख देंगे। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन द मॉन्की एंड द क्रोकोडाइल, द